हेलो गाइस, एडवेंचर हेज में आपका स्वागत है। तो साउथ ट्रैवल सीरीज़ की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने एक ऐसे ट्रिप के बारे में बताऊंगा और ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। प्लेस इज़ मिशापुलीमाला। पूरे इंडिया से लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं केरला में, वो लेकिन इस जगह को मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो। कोई आ नहीं रहा। सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे? राइट, जा तो चांद की तरफ ही रहे हैं। चांद भाग गया छोड़ के आपको। चांद की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पहुँचना कैसे है ये बताता हूँ। मुन्नार जो केरला का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ से मिशापुलीमाला का डिस्टेंस ओनली 24 किलोमीटर्स है। मिशापुलीमाला फेमस है सनराइज़ के लिए, और यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि मिशापुलीमाला इज़ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू सी अ सनराइज़। अब मैं आपको मेरे ट्रिप का आइटनरी बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा आपका ट्रिप प्लान करने के लिए। हमारी जर्नी शुरू हुई थी कोची एयरपोर्ट से। कोची एयरपोर्ट से हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे और 4 घंटे की जर्नी थी मुन्नार के लिए। मुन्नार में लंच के बाद हमने लोकल जो साइट सीइंग पॉइंट थे वहाँ पे विज़िट किया। फिर शाम को 4 बजे हम निकलते हैं सूर्यनली की तरफ। सूर्यनली एक छोटा सा टाउन है जो बेस पॉइंट है मिशापुलीमाला जाने के लिए। सूर्यनली में पहुंचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया। हमारे होटल का नाम था डबल ट्री बिला हाउस। काफ़ी अच्छा होटल था और प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन था। चेक इन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए जीप को बुक करना। जीप के लिए आपको होटल स्टाफ से भी कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाएंगे, और मेरे पास भी एक जीप वाले का नंबर है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जीप आपको होटल से पिक कर लेगी अराउंड मॉर्निंग 5 o'clock, और उसके बाद वहाँ से आपको 1 घंटे का ऑफ रोड है। जीप आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी, वहाँ से भी आपको 2 किलोमीटर के अराउंड ट्रैक करना पड़ेगा सनराइज पॉइंट तक जाने के लिए। In the altitude of 10,000 feet, only few meters are left. 2 meters are left. Then we will reach the highest point. I think it's the best place in my travel history. सिक्स थर्टी के अराउंड हम सनराइज़ पॉइंट तक पहुंच गए थे, और ऐसा सनराइज़ मैंने कहीं नहीं देखा। नो वर्ड्स।
आई हैव ट्रेवल्ड सो मैनी प्लेसेस बट बिलीव मी दिस वॉज द बेस्ट प्लेस। वहाँ पे आप 2-3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं और नीचे आने के बाद आपको एक और अट्रैक्शन पॉइंट मिलेगा, टाइगर फेस रॉक बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। सही बोल रहा यार, 7,000 फुट की ऊंचाई पे हैं, यहाँ से देख के तो लग ही रहा है। स्पीकर ऑन ऑफ हो गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप मिशापुलीमाला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जिसका बेस्ट टाइम है जाने का उसी टाइम पे आप ये ट्रिप प्लान करें। बेस्ट टाइम है दिसंबर से लेके फेब तक, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लाउड्स रहते हैं काफ़ी थिक रहते हैं तो सनराइज़ उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मार्च में वहाँ पे बिल्कुल क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं और अब मतलब वो इतना बेस्ट ही रहेगा जो मतलब उस सीज़न टाइम में जाने के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको मिशापुलीमाला के ट्रिप के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। Guys, do subscribe and press the like button for next destination video. Thank you.